Hello students, welcome in the chemistry class. Class 12th chemistry. Biomolecules. Part 4. Topics. Cyclic structure of glucose. Carbohydrate part 4. Class 12th chemistry में biomolecules, जिसके हम 3 videos दे चुके हैं, और आज हम दे रहे हैं video number 4, part 4. And today we'll discuss about the साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. इससे पहले वीडियो में पार्ट 3 में हम स्टडी कर चुके हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, और आज हम स्टडी करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और कौन से ऐसे एविडेंसेस थे जिसके कारण ओपन चेन स्ट्रक्चर को नहीं माना गया बल्कि उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया. तो कार्बोहाइड्रेट के भी हम टोटल पार्ट 4 प्रोड्यूस कर चुके हैं, दे चुके हैं 4 वीडियोस दे चुके हैं, जिनको कि आप डिटेल में एक साथ पढ़ सकते हैं. तो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. प्रीवियस नॉलेज फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टडी करने से पहले हमें समझना होगा फिर से ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, किस तरीके से किस पॉइंट के बेस पर ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया, और उसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे. नंबर 1, ऑन रिएक्शन विद HI, ऑन हीटिंग इट गिव्स एन हेक्सेन इंडिकेटिंग 6 कार्बन अरेंज्ड इन स्ट्रेट चेन. HI के साथ रिएक्शन करने पर एन हेक्सेन का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है. नंबर 2, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइन and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of carbonyl group C double bond O group in the glucose. Glucose की hydroxylamine के साथ में reaction और oxygen formation, साथ ही साथ hydrogen cyanide के साथ reaction, cyanohydrin का formation indicate करता है कि glucose में carbonyl group present है. अब ये carbonyl group aldehyde group हो सकता है या ketonic. उसके लिए पॉइंट नंबर 3, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जैसे ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करने पर इसमें एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप के साथ में रिएक्शन नहीं करते. पॉइंट नंबर 4, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स सैक्रिक एसिड, इट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एट 6 कार्बन ऑफ द चेन. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, साथ ही साथ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कंपाउंड सैक्रिक एसिड बनता है, जिसमें कि 2 COH ग्रुप नंबर 1 और नंबर 6 पर हैं, और ये कंफर्म करता है कि 6 नंबर कार्बन पे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH प्रेजेंट है. पॉइंट 5 में, ऑन एसिटाइलेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड इट गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इट कंफर्म्स प्रेजेंट ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एसिटाइलेशन होता है OH ग्रुप का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन, और यहाँ पर पेंटा एसीटेट फॉर्मेशन मींस 5 ईस्टर ग्रुप फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज एक कार्बन पे 2 OH एक साथ स्टेबल नहीं रह सकते हैं, और ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट स्टेबल है, इट इंडिकेट्स कि सभी OH अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है. अब हम इसको पॉइंट्स को समराइज करेंगे, उनके बेस पर क्या स्ट्रक्चर दिया गया. फिशर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 6 कार्बन चेन का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया ग्लूकोज के लिए, और इसका नाम दिया गया डी प्लस ग्लूकोज. यहाँ पर डी कैपिटल नाम के आगे लिखा गया है पॉइंट नंबर 3, डी बिफोर द नेम ऑफ द ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फिगुरेशन. ये कॉन्फिगुरेशन बताता है कि OH की क्या पोजीशन है, ना कि उसका ऑप्टिकल
बिहेवियर, प्लस साइन इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ऑप्टिकल लाइट के प्रति जो उसका बिहेवियर है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए वो उसको राइट साइड रोटेट करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। पॉइंट नंबर 4, डी एंड एल कैपिटल, दीज हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनका कोई मतलब नहीं है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेशन है, स्मॉल डी इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड स्मॉल एल रिप्रेजेंट्स द लीवो रोटेटरी। पॉइंट नंबर 5, द लेटर डी एंड एल बिफोर द नेम, दीज इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फिगुरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ऑफ कंपाउंड विद रेस्पेक्ट टू कॉन्फिगुरेशन ऑफ पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड। यहाँ पर डी एंड एल का इंडिकेशन केवल पर्टिकुलर आइसोमर ग्लिसरेल्डिहाइड के रेफरेंस में दिया गया है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर ग्लिसरेल्डिहाइड के बेस पर ही डेराइव किए गए हैं। ग्लिसरेल्डिहाइड, डी ग्लिसरेल्डिहाइड और एल ग्लिसरेल्डिहाइड टू टाइप के हो सकते हैं, और यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड है ये ग्लिसरेल्डिहाइड, इसमें की पॉइंट नंबर 2 मींस कार्बन नंबर 2 पर पोजीशन ऑफ OH डिसाइड करती है कि ये डी ग्लिसरेल्डिहाइड है या एल। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज को स्ट्रक्चर को डेराइव किया गया 1 by 1 कार्बन की एंट्री शो करके और 6 कार्बन चेन का कंपाउंड इंडिकेट किया गया है, उसमें ग्लिसरेल्डिहाइड में भी कार्बन नंबर अटैच टू CH2OH, उसमें दोनों में ही OH राइट साइड है, और क्योंकि ग्लूकोज में भी कार्बन नंबर 5 पर OH राइट साइड है और ग्लिसरेल्डिहाइड में भी CH2OH से के साथ कार्बन पर OH राइट साइड है, इसलिए दोनों को सी मिल गया है और डी नाम दिया गया है ग्लूकोज के लिए। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ये सारी वो रिएक्शंस हैं जिनको हम दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, 1 by 1 चेक कर सकते हैं किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस हुई, NH2OH के साथ CH डबल बॉन्ड NOH फॉर्मेशन हुआ, ऑक्साइम बना, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसिटेट्स बना, सो हम 1 by 1 इनको स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, HI के साथ रिएक्शन करने पर हेक्जेन बनता है, 6 कार्बन प्रेजेंट है। नंबर 2, NH2OH के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्साइम बनता है, तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 3, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होती है, केवल 1 COH ग्रुप आता है, इट मीन्स एल्डिहाइड प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड के साथ 2 COH ग्रुप आ रहे हैं, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन CHO है, लास्ट कार्बन CH2OH की फॉर्म में है। पॉइंट नंबर 5 में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पर 5 एसिटाइल ग्रुप एंटर कर रहे हैं, 5 टाइम्स एसिटाइलेशन हो रहा है, इट मीन्स 5 OH प्रेजेंट है और सभी अलग अलग कार्बन पे हैं। तो ये था इसका प्रीवियस नॉलेज, अब हम आगे स्टडी करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, कौन कौन से ऐसे एविडेंसेज हैं जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में दिए गए, ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो कि ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1, रिएक्शन, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन, NaHSO3 के साथ रिएक्शन, जो कि टिपिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, कार्बोनाइल ग्रुप के लिए नहीं हो रही है, इट मीन्स कि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है रिएक्शन करने के लिए, इट इज बाउंड, ये जो है कहीं ना कहीं दूसरे एटम्स के साथ अटैच्ड है। नंबर 2, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। सेकेंड पॉइंट है कि ग्लूकोज में जब पेंटा एसीटेट फॉर्मेशन हो जाता है, 5 OH की रिएक्शन हो चुकी है, उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन ना होना इंडिकेट करता है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है, ये रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं बॉन्डेड है। पॉइंट नंबर 3, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब आगे बात क्या आती है, ये 2 पॉइंट आपको स्टडी करने पड़ेंगे एविडेंस की फॉर्म में, कि जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पर
एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अब पॉइंट नंबर थ्री में ग्लूकोज के जो कंपाउंड्स थे, जब उनको ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया गया तो यहाँ पर टू टाइप के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं जिनकी अलग अलग शेप है, जिनके मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हैं और उनका नाम दिया गया अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट है 419 और इसको ऑब्टेन किया गया बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, व्हाइल द बीटा फॉर्म जिसका की मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। अलग अलग टेम्परेचर्स पे दोनों क्रिस्टल हमें मिल सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल ग्लूकोज के मिलते हैं, इनके नाम दिए गए अल्फा एंड बीटा। दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही दो क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। So it was proposed that one of the OH group may add to the CHO group. इसमें ये प्रपोज किया गया कि CHO group किसी कार्बन के साथ OH group के साथ bonded है और बना लेता है एक cyclic hemiacetal structure by loss of water molecule. So यहाँ एक ring बन जाती है दोनों के बीच में, CHO group is not free. तो ये जो structure दिया गया है ग्लूकोज का, बताया गया कि ग्लूकोज सिक्स मेंबर्ड एक रिंग बना रहा है जिसमें कि फाइव नंबर कार्बन का OH CHO के साथ रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ है और ये रिसर्च के बेस पर हुआ है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बताया गया है जो कि इस लेवल पे 12th क्लास लेवल पे बताना बहुत जरूरी नहीं है। आपको केवल इतना समझना है कि जो कंपाउंड की रिएक्शन करेक्ट पाई गई वो सिक्स मेंबर रिंग के बेस पर पाई गई और उसमें कार्बन नंबर फाइव CHO के साथ रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। पॉइंट नंबर सेवन, दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, ये CHO ग्रुप की एब्सेंस इसीलिए है रिंग फॉर्मेशन में क्योंकि CHO ग्रुप इन्वॉल्व हो चुका है तो वो फ्री नहीं है रिएक्शन शो करने के लिए। एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म, और इसी के बेस पर ग्लूकोज टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक न्यू एडिशनल काइरल कार्बन यहाँ फॉर्मेशन वो है कार्बन नंबर वन जो कि पहले CHO की फॉर्म में दिखाया गया था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। सो कार्बन नंबर वन जो कि रिंग फॉर्मेशन के बाद काइरल बना है, यहाँ पर OH की पोजीशन के बेस पर OH राइट साइड भी हो सकता है कार्बन नंबर वन पर, OH लेफ्ट साइड भी हो सकता है। इसी बेस पर अल्फा नाम दिया गया जब OH राइट साइड है और बीटा नाम दिया गया जब OH लेफ्ट साइड है, इसीलिए टू टाइप के क्रिस्टल्स बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो रिएक्शन है ये शो कर रही है किस तरीके से CHO और फाइव नंबर कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। फाइव नंबर कार्बन का H CHO के साथ CHOH बना रहा है, अब CHOH ग्रुप कार्बन नंबर वन पे H एंड OH की फॉर्म में अरेंज होके एक न्यू काइरल कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसके कारण पोजीशन ऑफ OH राइट हो सकती है लेफ्ट हो सकती है और बनते हैं अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। पॉइंट नंबर एट, द टू साइक्लिक हेमीएसिटल्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर वन। साइक्लिक हेमीएसिटल के जो ग्लूकोज की एक फॉर्म है जो कि रिंग फॉर्मेशन के कारण बनती है, यहाँ पर कार्बन नंबर वन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है और इन्हीं को हम कहते हैं अल्फा फॉर्म है बीटा फॉर्म। इस तरह से ये एक दूसरे के कहलाते हैं एनोमर्स। और क्या है ये एनोमर्स? एनोमर्स आर द आइसोमर्स विच डिफर एट कार्बन नंबर वन ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फिगुरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर वन। तो अल्फा फॉर्म में ग्लूकोज के कार्बन नंबर वन पे OH राइट साइड है एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में OH लेफ्ट साइड में है। पॉइंट नंबर नाइन, द सिक्स मेंबर साइक्लिक रिंग ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज पायरनोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के बेसिक स्ट्रक्चर जो रिंग बनती है वो है बेसिक रिंग है पायरनोज
सिमिलर टू पायरेन। पायरेन एक रिंग है जो कि आपको डायग्राम देख रहे हैं, इसमें की 6 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके सिमिलर है ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, 6 मेंबर रिंग विद 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अब हम किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है फर्स्ट कि पायरेनोज रिंग क्या है, ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पायरेनोज रिंग। पायरेनोज का रिंग में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कि ऑक्सीजन है, HOH, HOH अलग अलग पोजिशन उनके अरेंज है, ये इंडिकेट करता है फॉर्मेशन पायरेन रिंग के चारों तरफ ये ग्रुप अटैच है, इसी से सिमिलरिटी है। दूसरी तरफ हमारे सामने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमें लिखना आता है, जो कि हमने येलो कलर के बॉक्स में देख रहे हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इधर ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के बॉक्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से ओपन चेन स्ट्रक्चर से दो रिंग बनी है, अल्फा डी और बीटा डी, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। सो हाउ कैन वी राइट द हॉवर्थ स्ट्रक्चर फ्रॉम फिशर स्ट्रक्चर, जो पायरेनोज स्ट्रक्चर दिया गया दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हॉवर्थ, और हॉवर्थ स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज रिंग की फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमें येलो बॉक्स और लाइट ग्रीन बॉक्स में दोनों को कंपेयर करना होगा। यहाँ पर एक रूल है, लेफ्ट अप राइट डाउन। अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो एच और ओ एच की पोजिशन हैं, जो लेफ्ट साइड लिखे हुए हैं, ये पायरेनोज रिंग में हायर ऊपर की पोजीशन पे होंगे, एच ऊपर ओ एच नीचे, सेकंड में भी ऐसे ही है, एच ओ एच, एच ऊपर और ओ एच नीचे। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, जो कि ओ के एडजेसेंट है, यहाँ पर ओ एच लेफ्ट साइड में था फिशर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर पायरेनोज रिंग में ये ऊपर है और एच नीचे है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेफ्ट अप राइट डाउन। फिशर स्ट्रक्चर में जो भी ग्रुप लेफ्ट साइड में है वो पायरेनोज रिंग में ऊपर की तरफ दिखाए जाएंगे, शो किए जाएंगे, और जो राइट साइड है वो नीचे लिखे जाएंगे। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लिखना सीख सकते हैं। तो ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इसके बायोमोलिक्यूल्स के रिमेनिंग वीडियोस को एक साथ पढ़ना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं एंड स्क्रीन, और उसमें आपको कंप्लीट वीडियो एक साथ स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।